अंशु। हाँ पापा। बेटे इधर आना जरा। ब्रेकफास्ट हो गया तेरा? हाँ हो गया पापा। अच्छा बड़ों के क्या बनेगा तेरे बेटा? फौजी बनूंगा मैं। ये बनेगा चोर डाकू लोफर। और कुछ नहीं इसके बस का, इन सब के लिए पढ़ाई लिखाई करना जरूरी होता है और वो इसके बस की है नहीं। ऐसे नहीं बन जाता कोई कुछ। फौजी बनूंगा मैं तो पापा। मैं फौजी नहीं डॉक्टर बनूंगा और लोगों का इलाज करूंगा, खासकर इस जैसे पागल लोगों को जरूर इंजेक्शन लगाऊंगा। जैसे खुद तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया वो। रुक मैं चलवा तो तेरी जुबान। ओए, चल घर। मैं तो चुपचाप घर चल, नहीं तो पापा मनीष खुद को समझता क्या है? कल भी मारा और आज भी मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा था तो मुझे कुत्तों की तरह भगा दिया। पापा कैसे कैसे बैठे हो? क्या हुआ? चोट लग गई पापा? वो अब छोटा भाई नहीं मिलोगा ना, हाथ साफ कर लेंगे। तो किसी से बाहर झगड़ लिया होगा? सुधर जा, तेरा छोटा भाई है वो। पूरा दिन पीछे मत पड़ा कर उसके। पापा अरे तनीष बेटा कल है ना चुपचाप से स्कूल चले जाना, 3 दिन से तो स्कूल नहीं गया। अगर मनीष को पता चल गया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा। मनीष एक काम कर, तू मार दे इसको।
यही चाहता था तू कि मर जाए पापा ये और सब कुछ तेरा हो जाए। हम चले जाते हैं अपने यहाँ से। अगर तुझे अकेला रहना तो अकेला रहना। मनीष किसको फोन कर रहा है? तनीष को ना। हाँ भाई। क्यों कर रहा है यार? अपनी इंसल्ट करवाने में तुझे अच्छा लगता है क्या? तुझे पता है वो तेरी कॉल नहीं उठाएगा। भाई तू मेरे साथ चल ना। पर कहाँ? तनीष के पास। बहुत टाइम हो गया यार उसे देखे। चलना भाई मेरे साथ। तुझे पता है आजकल वो बड़ा आदमी बन गया है। भाई तू चल मेरे साथ। कहाँ पर? तू चलना भाई। कल से जॉब पर आ जाना। थैंक यू सर। तनीश मेरे भाई तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से तुझे फोन कर रहा हूँ यार। क्यों पीछे पड़ा है तू? पैसे चाहिए? ये ले अमाउंट, इतना मरना भर लेना। दोबारा देखना मत मेरे को। नहीं मेरे भाई मैं तो बस तुझसे मिलने आया हूँ यार। 7 साल हो गए तुझसे मिले। मम्मी पापा कैसे हैं? उनसे तो मिलवा दे यार। क्यों उनको मारना चाहता है? ये डोंग मत कर। बचपन में पापा ने सही कहा था कि तू मुझसे जलता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में तू मुझे मारना चाहता था। ताकि सब कुछ तेरा अकेले का हो जाए। और आज मैं सक्सेस हो गया हूं तुझे मेरे मम्मी पापा की याद आने लगी। जा निकल जा यहां से। नहीं तो सिक्योरिटी को बुलवा के बाहर फेंकवा दूंगा। मुझे पता था सही होगा। भाई तू चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ उसको सारी सच्चाई। क्या 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 भाई? मैं बताता हूँ उसको कि तुमने उसका हमेशा अच्छा भी चाहा है। उस दिन जब वो उन लड़कों के साथ खड़ा था। ओए चल घर। मैं तो चुपचाप घर चल। नहीं तो मेरे भाई से दूर रहना समझे। सालों हड्डिया तोड़ दो अगर उसको भी अपने जैसा बनाने की सोची तो। अबे चल निकल, ज्ञान मत पेल, साले को इतना मारेंगे। We'll be right back.
तूने हमेशा उसको गलत चीजों से दूर रखा, खुद की पढ़ाई ना समझी में छूट गई, पर भाई से वो गलती होने नहीं दी, और आज वो कहता कि तुझे मारना चाहता। छोड़ दे यार, ना समझ आओ, बच्चा वो अभी। चल चल दे। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता इनका देखा दिखाया होता है। जिस काम को तुम करना चाहते हो उस काम में इन्होंने पहले ही हाथ आजमाया होता है। कद्र किया करो अपनों की ऐ दोस्त, तुम्हें कुछ बनाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया होता है, अपना सब कुछ दांव पे लगाया होता है।